Hello friends, welcome to computer science tutorial given by the Saurabh Dubey. Now this video is a necessity है मेरे कुछ friends की, क्योंकि उनको उनका कल practical exams है और उनको ये traffic shaping का concept नहीं मालूम, जिसमें leaky bucket आखिर use कैसे हो रहा है, like इसका करना क्या है. तो पहली बात ये है कि problem होता कहाँ से है कि हम तुरंत एक advanced topic पढ़ने जाते हैं, जो हमारे case में एक leaky bucket है, विदाउट स्टडिंग दिस ट्रैफिक शेपिंग क्या होता है. बट उसके पहले कंजेशन कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा. फॉर अ टाइम बींग एट दिस लेक्चर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको कंजेशन पता है. कंजेशन क्या होता है एकदम सिंपल टर्म में, जैसे कि अब ये है मेरा कुछ रोड्स है, जैसे कि अब ये मेरे कुछ ऐसा कुछ देख लीजिए, एक सिंपल सा एक रोड ट्रैफिक नेटवर्क है, सिंपल सा, ठीक है. तो इसे देख लीजिए. अब लेट सपोज तो कंजेशन क्या होगा, कंजेशन इस जगह पे होगा, इस जगह पे. क्यों अब कंजेशन इसी जगह पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से भी अगर मैं इसे नॉर्मल रोड की तरह ले लूँ तो यहाँ से भी गाड़ी आएंगी, यहाँ से भी गाड़ी आएंगी, और बीच में खाली इतना सा ही जगह है गाड़ियों को पास होने के लिए आगे इन दो जगह पे, ठीक है. तो अब कौन सी गाड़ी पहले आएगी, कौन सी गाड़ी बाद में आएगी, कितनी बड़ी होगी गाड़ी, गाड़ी लाइक उसको पहले उसको उसका कुछ एक टाइम होगा, तो उन सब चीज़ों के कारण कंजेशन होता है. लाइक क्योंकि क्या होता है पता है क्या, अब एक गाड़ी को आपने यहाँ भेज दिया, ठीक है, अब उसके साइड बाय साइड अब दो गाड़ी एक साथ यहाँ पर आ गई, ठीक है, अब कौन सी गाड़ी को निकलने को जगह नहीं है, फिर पीछे से और आ रही है, फिर और पीछे से आ रही है, तो इससे हो क्या रहा है बार बार ऐसा इस गाड़ियों के आने जाने से क्या हो रहा है कि एक कंजेशन इस रीजन में बन जा रहा है. तो ऐसे ही है ना, कंप्यूटर नेटवर्क के भी कंसेप्ट में यही होता है. होता क्या है कि भाई इधर से एक पैकेट आया, यहाँ से एक पैकेट आया, अब कौन सा पैकेट पहले जाएगा, नेसेसिटी कौन से पैकेट की ज़्यादा देंगे, किस कौन से पैकेट को जो है लाइक किसका लेंथ ज़्यादा होगा, वो क्या इस क्यू में फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यदि वो हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो ठीक है. फिलहाल ये कंसेप्ट नहीं समझ रहा होगा आप लोगों को, मैं ये मान के चल रहा हूँ. तो इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो पूरा बना दूंगा कंजेशन कंट्रोल पे, कंजेशन और कंजेशन कंट्रोल पे. तो अभी फिलहाल आते हैं ट्रैफिक शेपिंग. अब ट्रैफिक शेपिंग होता क्या, यहाँ पे अब कोई भी मेरा लेट सपोज कोई भी मेरा एक नेटवर्क है, लेट से ये रहा, ठीक है. अब डेटा कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है, पहला इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर कुछ देर कांस्टेंट है, फिर से एकदम ऐसा डिक्रीज हो गया, फिर से इंक्रीज हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज, फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसा ऐसा, फिर ऐसा डिक्रीज होते जा रहा है, फिर ऐसा कुछ इंक्रीज, फिर अचानक से बढ़ गया. तो ऐसा कुछ डेटा है. अब ट्रैफिक शेपिंग जब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, ट्रैफिक शेपिंग क्या करता है, अब एक इसमें कई सारे तरीके के डेटा होंगे, जैसे कि कुछ बस्टी डेटा होगा, हो गया लाइक कुछ ऐसा ऐसा इरेगुलर डेटा हो गया. तो उसको ट्रैफिक शेपिंग क्या करता है, ट्रैफिक शेपिंग क्या करता है, यहाँ देखिएगा जगह की थोड़ी उधर तकलीफ थी, क्योंकि इसको मुझे शायद दूसरे पेज पे एक्सप्लेन करना चाहिए था, ठीक है. तो ट्रैफिक शेपिंग क्या करेगा, सिंपल से इसको जो है कॉन्स्टेंट रेट में लेके आके जाएगा, सिंपल से कॉन्स्टेंट रेट, लाइक वो कॉन्स्टेंट रेट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन सिंपल सा इसको एक कॉन्स्टेंट रेट मिला दिया, ठीक है, इसको ला दिया एक कॉन्स्टेंट रेट में. और ये था एक नेटवर्क था, लेट से ये कुछ नेटवर्क था, नेटवर्क, अब ये नेटवर्क आ गया इस कॉन्स्टेंट रेट में ट्रैफिक शेपिंग के बाद, ठीक है. अब ये ट्रैफिक, तो व्हाट डज ट्रैफिक शेपिंग, ट्रैफिक शेपिंग डज इट इज़ अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल, कंट्रोल वॉट द अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ द ट्रैफिक सेंड टू द नेटवर्क. दैट इज अब वो जैसा एक बस्टी नेटवर्क बनाया था हमने, फिर उसके बाद एक सिंपल सा एक सीक्वेंस में पूरा नेटवर्क आ गया. अब देखिए लीकी बकेट, अब लीकी बकेट क्या आएगा, एक अल्गोरिदम टू शेप बस्टी ट्रैफिक इन टू अ फिक्स रेट, दैट इज ट्रैफिक बाय एवरेजिंग. लेट से एक आप इसको एक ऐसा समझ सकते हो, जैसे कि अभी टैप है, अब टैप इस केस में आपका कंप्यूटर का होस्ट हो सकता है, तो इसे ये अज्यूम करके चलो कि ये होस्ट है, होस्ट
एक होस्ट नहीं होगा, मल्टीपल होस्ट होगा, और इसे आप एक क्यू समझ के सकते हो, लाइक एक क्यू 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 की तरह, ठीक है। अब बर्स्ट फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पे आप पैकेट समझ सकते हैं सिंपल से। तो एक बर्स्ट वाटर का एक बर्स्ट फ्लो आ रहा है और यहाँ पे एक होल है। अब ये होल क्या करेगा, ये जो बर्स्ट फ्लो है उसको एक फिक्स फ्लो में कन्वर्ट कर देगा, फिक्स फ्लो में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स सपोज यहाँ पे फ्लो आ रहा है, लेट्स से एट अ स्पीड ऑफ टू ड्रॉप पर सेकेंड, ठीक है, दो ड्रॉप पर सेकेंड, बट यहाँ दो ड्रॉप, कभी दो ड्रॉप पर सेकेंड के हिसाब से आ रहा है, कभी थ्री ड्रॉप पर सेकेंड, कभी फोर ड्रॉप, तो उसको कुछ फिक्स कर देगा उसको लाइक टू ड्रॉप पर सेकेंड में, ठीक है, टू ड्रॉप पर सेकेंड में, ठीक है, फिक्स कर देगा, ठीक है। और अगर ये कुछ इस क्यू यानी कि इस बल्टी में कुछ वाटर फिक्स फिट नहीं हो पाएगा तो उसे ये डिस्कार्ड कर देगा, क्या कर देगा, उसे डिस्कार्ड कर देगा लाइक। तो उसका एक ग्रीन ट्रांसमिशन पॉलिसी जो हम कंजेशन कंट्रोल या कंजेशन प्रिवेंशन में पढ़ते हैं लाइक, उसमें कुछ री ट्रांसमिशन पॉलिसी अप्लाई करके वापस उस पैकेट को रीगेन करवा दिया जाता। अब इम्प्लीमेंटेशन, अब कैसे इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब पैकेट यहाँ से अराइवल होगा, वो पैकेट यहाँ से अराइवल होगा, ठीक है, पैकेट अराइवल होगा, फिर ये चेक करते हैं हम लोग कि इस दिस क्यू इज फुल, इफ फुल देन डिस्कार्ड, इफ नो देन इंसर्ट इन टू दिस क्यू। अब ये जो होगा ये कुछ एक प्रोसेसर होगा, लेट्स से कुछ प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या करेगा, इस पैकेट पे प्रोसेस करेगा और फिर इसको लाइक डिपार्चर कर देगा, लाइक एक डिपार्चर प्रोसेस, ठीक है। तो इट फेचर्स पैकेट दैट इज फ्रॉम पैकेट टू आएगा यहाँ पे, पैकेट टू क्यू फ्रॉम और एट अ कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है, सॉरी फ्रॉम ही रहने देते, ठीक है, फ्रॉम टू, वो तो आपको समझ ही गया होगा, ठीक है। तो अब बस्टी डेटा, जैसे कि अभी एक सिंपल एग्जांपल है, जीरो से सेकेंड्स और डेटा के बीच का एक ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। जीरो से टू सेकेंड्स के बीच में मेरे पास समझो एक 12 Mbps का एक डेटा आ रहा है, लाइक एक पूरे एक डेटा का साइज़ है 12 Mbps, ठीक है, ये लाइक डेटा है, एक डेटा का साइज़ है 12 Mbps। तो जीरो से टू सेकेंड मतलब दो सेकेंड में कितना डेटा होगा, एक सेकेंड में 2 Mbps है, दैट इज़ 2 Mbps, तो दो सेकेंड में होगा 24 Mbps। फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा ये फील्ड, फिर अचानक से एक 2 Mbps का और डेटा आ गया पर सेकेंड में, बोल बात कर रहा हूँ पर सेकेंड, तो ये 3 सेकेंड में टोटल 6 Mbps, तो टोटल 30 Mbps का डेटा मुझे इस नेटवर्क पर मिल जाए। अब मैं आफ्टर अप्लाइंग लीकी बकेट टू इट, अब मैं क्या बोलता हूँ, इधर 3 Mbps आएगा यहाँ पे, सॉरी मेगा बाइट नहीं है, ये बिट है, ये एक्चुअली में बाइट को बोलते हैं, तो ये मेगा बिट हो गया, ठीक है। तो उसे कुछ ऐसा बना देगा लाइक ये मेगा बिट है, मुझे लिखने में गलती हो गई है, तो मेगा बिट है, तो उसे ऐसे कॉन्स्टेंट रेट में लेके आएगा। तो अल्गोरिदम कुछ ऐसे ही काम करता है, अराइवल आएगा, पैकेट फुल है कि नहीं चेक करेगा, अगर है तो डिस्कार्ड कर देगा, अगर नहीं है तो उसे क्यू के अंदर लीकी बकेट लेडाटिस जो हमारा क्यू है उसे भेज देगा, फिर उसे प्रोसेस कर देगा, फिर उसका डिपार्चर हो जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो फॉर मोर सच अपलोड्स।